हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर जो है कि बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट को लेकर के जो कि आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी जो है कि बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट को लेकर के जो कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा जो कि दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यूज पेपर को हम आपके सामने जो की लेकर के आ चुके। तो यहाँ पे लाइव हम न्यूज यहाँ पे आपको जो दिखलाने वाले की आपका रिजल्ट जो है आज आएगा या कि कल आएगा, यहाँ पे सारा जानकारी आपको जो है कम्प्लीट जानकारी जो वीडियो में मिलने वाला, तो पूरे वीडियो का कम्प्लीट बने रहे क्योंकि यहाँ पे अब आपका जो इंतजार जो है कि समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जो है कि जारी करने जा रहा है। टॉपर वेरिफिकेशन का जो कि काम भी जो है कि पूरा हो चुका है, सिर्फ जो है बिहार बोर्ड को जो है कि रिजल्ट जो है कि जारी करना है। तो अब से किसी भी समय जो है बिहार बोर्ड जो है रिजल्ट जो है कि जारी कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए न्यूज को हम आपको जो है आपके सामने दिखला रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम हिंदुस्तान पेपर का न्यूज यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर का न्यूज यहाँ पे हम चूंकि ओपन कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आप भी जाकर के अपने फोन से जो है कि चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2021, क्या बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे पिछले साल की तरह इस साल 24 मार्च को होंगे जारी की नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न जो है कि लग चुका है कि अब आपका इंटर का रिजल्ट, पिछले वर्ष जो आपका जो इंटर का रिजल्ट जो है कि अचानक जो है कि बिहार बोर्ड 24 मार्च को जारी किया था, तो इस बार भी क्या बिहार बोर्ड 24 मार्च को ही रिजल्ट जारी करने जा रहा है। तो पूरा वीडियो का कम्प्लीट बने रहे, सारा न्यूज का डिटेल यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाएगा, किस दिन आपका रिजल्ट आएगा, कितने बजे आपका जो कि रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड जो कि जारी करने, सारा कम्प्लीट जानकारी जो इस वीडियो में मिलने वाला है, और किस तरह से आपको जो कि रिजल्ट जो है बहुत ही फास्ट तरीके से जो है कि आप चेक कर सकते हैं 2 से 5 सेकंड में, सारा जानकारी यहाँ पे आपको जो है मिलने वाला है लाइव, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करके हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका बताया गया कि बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2021 का मूल्यांकन का कार्य जो है कि अब समाप्त हो चुका है। बोर्ड अब इंटर के रिजल्ट की तैयारी जो है पूरी तरह जो कि कर रहा है। पिछले साल जहां बिहार बोर्ड ने 24 मार्च को जो है कि रिजल्ट जो है कि इंटर के नतीजे की जो कि घोषणा कर दी थी, इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले 24 मार्च तक बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे जो कि जारी कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 मार्च तक जो है कि बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे जो है कि जारी कर देगा। हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से जो कि यहाँ पे जो है साफ साफ जो है कि लिखा गया कि 24 मार्च तक जो है कि बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट को जो है कि नतीजे जो कि जारी कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड कभी भी अचानक जो है कि रिजल्ट जो है कि जारी कर सकता है। 24 मार्च को यहाँ पे जो है कि डेट दे दिया है कि पिछले वर्ष भी जो है कि बिहार बोर्ड 24 मार्च को जो कि रिजल्ट जारी किया था, तो इस बार भी जो लगभग उम्मीद यहाँ पे जो कि बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड जो है कि 24 मार्च को जो कि रिजल्ट जो है कि जारी कर देगा। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी में जहां सभी बोर्ड ने देरी से नतीजे जो कि जारी किए, तो वही बिहार बोर्ड ने समय पर नतीजे जो कि जारी करके नया कीर्तिमान जो है कि रचा था। तो ऐसे में इस साल भी जहां कई बोर्डों की परीक्षा अभी नहीं शुरू हुई है, वहीं बिहार बोर्ड के नतीजे जारी करने जा रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक किसी भी बोर्ड का एग्जाम भी यहाँ पर जो कि नहीं हुआ, लेकिन बिहार बोर्ड अपना एग्जाम भी सही तरीके से जो है कि ले लिया, और अब जो है नतीजे को जो है जारी करने को जो है कि पूरी तरह जो है बिहार बोर्ड यहाँ पर रेडी है, तैयार है, कभी भी आपका जो इंटर रिजल्ट जो है कि जारी कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो है खबर जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो कि दिया कि सब जो स्टूडेंट जो है रिजल्ट को लेकर के काफी परेशान है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पल अब आपका जो है कि आ चुका है। अब आपका रिजल्ट जो है कभी भी बिहार बोर्ड जो कि जारी कर सकता है। यहाँ पे आपको जो डेट जो है कि हिंदुस्तान पेपर के माध्यम जो कि बताया गया है कि आपका जो है 24 मार्च तक आपका जो है कि रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आपको जो है कि रिजल्ट चेक करना चाह रहे, क्योंकि आपका रिजल्ट कभी भी किसी वक्त जो है कि आ सकता है। तो जैसे बिहार बोर्ड अगर यहाँ पे आपको जो है कि रिजल्ट जारी करता है, तो रिजल्ट जारी करने के बाद क्या होता है कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट जो है कि क्रैश हो जाता है, तो वहाँ से रिजल्ट चेक करने में काफी छात्रों को जो है कि दिक्कत होता है। तो उसके लिए आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का हम आपको जो कि लिंक दे दिए, उस ऐप से आप जो है मात्र 2 से 5 सेकंड में रिजल्ट जो है कि बहुत ही आसान तरीके से जो है कि चेक कर सकते हैं। तो लिंक आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से आप जो है रिजल्ट जो है बहुत आसानी से जो चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जो प्ले स्टोर पर आकर के वहाँ बिहार बोर्ड रिजल्ट 2021 ठीक है सर्च करना। सर्च करने बाद आपके सामने इस तरह का आइकन आपके सामने आ जाएगा, तो इस ऐप को आपको जो है डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको जो नीचे में आना, नीचे आने के बाद आपको जो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको जो रेटिंग दे देना है, ठीक है। रेटिंग देने के बाद आपको जो यहाँ पे जो हिंदी में लिख देना है बिहार बोर्ड रिजल्ट 2021 सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट कर देना है, ऐप जो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सकते हैं 10th रिजल्ट 2021 और 12th रिजल्ट 2021 ठीक है। जिसका आपको रिजल्ट चेक करना है, 10th का आपको रिजल्ट चेक करना है 12th का रिजल्ट चेक करना है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। 12th का रिजल्ट भी हमको चेक करना है, तो 12th पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो 12th पे
जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट चेक करना है, तो आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है चेक रिजल्ट नाउ पे, ठीक है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा तो यहाँ पे लिंक जो एक्टिव कर दिया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से बहुत ही आसानी तरीके से जो कि आप जो है रिजल्ट अपना चेक कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी नीचे आपका सारा डाटा जो है देखने को मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है मैट्रिक भी रिजल्ट चेक करने के लिए, तो सेम है, तो मैट्रिक वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि चेक रिजल्ट नाउ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्लिक करना है टेंथ वाले रिजल्ट को चेक करने के लिए, ठीक है। रिजल्ट आपको जारी होगा तो लिंक जो है एक्टिव दोनों का यहाँ पे जो कि कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप जो बहुत ही आसानी तरीके से जो कि रिजल्ट को जो है आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। आप जो क्विज भी खेल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारे क्विज खुल करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है कि दिया हुआ है, वहाँ से आप जो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो प्ले स्टोर पर भी जाकर जो कि डाउनलोड कर सकते हैं।